रहा था कि आप नहीं दे सकेंगे, अब शिकायत कैसी? जैसे वो लेना चाहते हैं कानून के मुताबिक, जाएं और इस्तीफा दे दें, हम इकट्ठे होकर आएंगे, हम खा पी के आएंगे। ये तो कोई सियासी किरदार का मुजाहरा भी नहीं है। जो देना चाहता है जाके कहे हाँ मेरा है, जो नहीं देना चाहता वो जाके बता दे कि हाँ ये मेरा तस्त नहीं है या मेरी मर्जी नहीं थी, कानून ने गुंजाइश रखी है, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी ताकतवर बनाने के लिए, ये ना हो जावेद आशमी का इस्तीफा लिखवा के या किसी कागज पे दस्तखत करा के वो भेज दिया जाए। तो अब वो कहते हैं कि हम तो सब मिलके आएंगे, कुछ कहते हैं कि जिनका भी साथ आए, तो ये कोई बातें नहीं है। और शुरू तौर पर वो इसको गलत कह रहे हैं। ये एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, वो MQM हो, नैप वाले हैं। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अभी आपको बताएं कि PCB ने यूनुस खान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि PCB की जानिब से कहा जा रहा है कि कानूनी माहिरीन की मुशावरत से यूनुस खान को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। मजीद इस हवाले से अपडेट जानेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे सनाउल्ला से। सनाउल्ला, बताएगा PCB की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी करने के बारे में जो खबरें आ रही हैं, क्या इत्तलात हैं? जैसा बिल्कुल, यूनुस खान जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल है और उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यूनुस खान मीडिया से गुफ्तगु नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इजाजत नहीं देता। और ये यूनुस खान की दूसरी मीडिया से गुफ्तगु थी। पहली गुफ्तगु की तो PCB की तरफ से लेटर जारी किया गया था, लेकिन वो शो कॉज नोटिस नहीं था। लेकिन यूनुस खान को ये मना किया गया था कि आपने दोबारा बात नहीं करनी, लेकिन यूनुस खान ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PCB के खिलाफ बात की है और सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर PCB ने यह फैसला किया है कि यूनुस खान को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और वजह पूछी जाएगी यूनुस खान ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। बहुत शुक्रिया आपका। मम्मी पेट दुख रहा है। कमिंग बेटा, चला जाएगा। देखो इधर, इधर, फिर इधर। इधर सब बाहर का पिज्जा बर्गर है ना, दर्द तो होगा ना? आपको भी ऐसा वाला दर्द होता था? डायरिया बदल रहा है क्योंकि जरासीम बदल कर ताकतवर हो गए हैं। तो नया लाइफ बॉय, ब्याज के ताकतवर जरासीम से हिफाजत। RSPH लंदन ने भी अप्रूव किया नया लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर जरासीम से हिफाजत।